So, जैसे ना हर कंट्री की स्ट्रैटी होती है अबाउट कॉलोनाइजेशन कि मैं अब मेरी कंट्री में मेरी पावरफुल बन गई स्टेबलाइज हो गई मैं अब दुनिया में और बड़ा बनूंगा तो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर मेरा इन्फ्लुएंस और पावर रहना चाहिए तो कुछ कंट्रीज़ करती हैं बाय फोर्स कॉलोनाइजेशन जैसे ब्रिटिश ने किया कि हम हर जाके साहब बन जाएंगे हर जगह जाके, जाके और हमारी चलाएंगे राइट कुछ कंट्रीज होती है जैसे अमेरिका वो सॉफ्ट जिसको डेटा कॉलोनाइजेशन बोलते हैं कि वो माइंड पे खेलती है डेटा करती है हर कंट्री का जो डेटा है आप क्या सोच रहे हो कैसे कर रहे हो वो सब अमेरिका के कंट्रोल बिल्कुल, करता बिल्कुल। है राइट right? देन so, कुछ कंट्रीज होती है जो आइडियोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन पे बिलीव करती है जैसे यूरोप में हुआ था अ लॉर्ड ऑफ वन रिलीजन जिस मेड शॉर्ट की वो आइडियोलॉजिकली हर जगह फैलाते हुँ. जाते हैं इवन कमिस्ट देस सो डू थिंक चाइना इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन में बिलीव करता है मतलब कि वो दूसरी कंट्रीज में जाके उनकी इकोनॉमी बूस्ट करेगा उनको इतना ज़्यादा लोन दे देगा उनको इतना डिपेंडेंट बना देगा खुद पे कि फिर उस कंट्री के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बट टू डाउन टू चाइना बहुत सारी बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ने यही किया राइट right? युगांडा का डापोर्ट उनका है। बना देते हो ल... होता नहीं है exactly. वो टोटा देख लो है नहीं बना दिया इतना so श्रीलंका आ... के पोर्ट उनके हैं युगांडा के एयरपोर्ट आ... आ... उनके हैं कितनी सारी कंट्रीज <laughs> की रेलवे उनकी है आ... इटली में सारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स अब उनके हैं <laughs> राइट ये उन्होंने खतरनाक तरीके से किया है इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन बोलते हैं एंड इसी की वजह से जो अब यू की बात बोल रहे थे वो एक्टिव क्यों नहीं है क्योंकि उनके ये बीस तीस कंट्रीज ऑलरेडी है ना जो उनके लिए वोट देती है इफ यू लुक एट हिस्ट्री ऑफ देव अ पार्ट जहाँ पे यूएन का एक वोट है बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस था ये कि जब यूएन पे एक बार वोट हुआ था कि ताइवान इंडिपेंडेंट है कि चाइना का पार्ट है राइट डेके सब ने इंडिपेंडेंटली रेस किया था कुछ कंट्रीज ने बोला चाइना का पार्ट है बाकी मैक्सिमम मेजोरिटी ने बोला कि चाइना का पार्ट नहीं है दे आर इंडिपेंडेंट चाइना थाट दिज द प्रॉब्लम एंड फिर जाके उन्होंने कम से कम 25 से 30 कंट्रीज जो अफ्रीका कंट्रीज तो में इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन किया एंड रिसेंट जब वोट हुआ वो सारी कंट्रीज जिन्होंने नो बोला था सब ने, सब ने बोला।, बोला क्योंकि वो चाइना से सम वे इकोनॉमिकली कंट्रोल्ड है तो जो चाइना का फेवर है वो कंट्रीज आर

चांस ऑफ चाइना सेंडिंग मिलिट्री देर एयरक्राफ्ट देयर बॉम्बिंग पीपल चाइना वो तालिबान के साथ भी दोस्ती उनकी सही है और डेमोक्रेसी के साथ दे आर ओके टू टॉक जहां इकोनॉमिक बात करेंगे <laughs> to, to तालिबान वेन एवरी वन लेफ्ट इवन वी लेफ्ट फ्रॉम काबुल चाइना ने तो दे इंक्रीज द साइज ऑफ देर एम्बेसी इन काबुल दे ब्रॉट इन अ मोर एक्सपीरियंस एम्बेसडर दे तालिबान टू बीजिंग सबसे पहले उनको वहाँ टूर कराया उन्होंने सो दे ऑलडी साइन मैनी एग्रीमेंट्स, दे आर ओके टू उनका बस वही है टू सस्टेन द लार्ज फैक्ट्रीज एंड दिटीज द इंफ्रास्ट्रक्चर द बिल्डर्स ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं है so चाइना ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया है खुद का कि

अमेरिका को तो दे वांट टू बी कंटिन्यू टू बी द नंबर सोल सुपर पार दे डोंट अनदर यू नो पहले यूएसएसआर तो हार गया इन द कोल्ड वॉर सो द सोल सुपर पार बट नाउ दे फियर दिस चाइना रशिया ईरान नॉर्थ कोरिया ये एक नया पोल जो है खड़ा हो रहा है एंटी अमेरिका जो है तो ठीक है चलता रहता है दिस इज बिन गोइंग थ्री फोर हो जाएगा नॉट सो सुन नॉट आई डोंट सी बिकॉज यू एस स्टिल हैज एन एच इज स्टिल द बिगेस्ट इकोनॉमी चाइना को बहुत वक्त लगेगा बहुत और जब वो वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने में अमेरिका के साथ तब तक क्या लोग वो टोटेलिटेरियन रजिम में रहेंगे या इम्प्लोजन होगा डेमोक्रेसी मांगेंगे फेसबुक और ट्विटर आएगा मतलब बोलने की वो आएगी तो ये ये बड़ा ये हाउ द कम्युनिस्ट पार्टी मैनेज दिस दैट बट लेट्स वेट एंड वॉच बट वन मस्ट रीड द प्रोग्रेस ऑफ चाइना एस एज अ प्रोफेशनल एंड इन अ पॉजिटिव मैनर क्योंकि हमारे पड़ोस में यार वी कैन लर्न सो मच फ्रॉम दम बंद दुश्मनी करके क्या है ए, हमने हिंदी टीवी की वो थोड़ी चला रहे है, <laughs> <laughs> है ना तो वी मस्ट वी मस्ट रीड द वे देर फेयर गॉन चाइना से हमें खतरा नहीं है कुछ भी चाइना नो नो एंबिशन ऑन द लैंड बॉर्डर्स एटलीस्ट नो आई डोंट थिंक देयर

You give you, you're giving me a very different picture hmm. than a lot of people. Hmm. A lot of people see China as an enemy. Yes, will always give you a different picture. <laughs> 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 Thank you so much. ये clip end तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी clips देखनी है, तो राजशमानी clips channel को subscribe कर लीजिए.